गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 4 और मणिकरण साहिब में होटल में स्टे किया है और यहाँ से अब आज हम चलते हैं वापस लुधियाना की ओर। और रास्ते में आपको मैं दिखाऊंगा, कसौल आएगा, कुल्लू आएगा, मंडी आएगा, बहुत शानदार शानदार व्यूज दिखाऊंगा। मेरी वीडियो के साथ बने रहें, चलो चलते हैं तैयार होके आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। मेरा लगेज अनपैक है, इसको पैक करके स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। हे गाइस, बैग पैक रेडी है और अब चलते हैं अपने पार्किंग में जहां अपनी बाइक खड़ी है। मैं एक आपको हॉट वाटर दिखाता हूं, नेचुरल हॉट वाटर जो कि इस होटल के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। नेचुरल हॉट वाटर, बहुत मजा आता है नहाने में कुदरती गर्म पानी से। गाइस, जो बजट ट्रेवलर्स है उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, एकोमोडेशन, चाय का लंगर, टी एंड लंगर, पार्किंग, हॉट बाथिंग। और यहाँ पे पास में आपके घूमने लायक कसौल है, खीर गंगा है, तो आप मजे से यहाँ आके घूमने का आनंद उठा सकते हो। हम जा रहे हैं अपने बाइक की तरफ, वहाँ सामने ऊपर अपनी बाइक खड़ी है और चलिए चल के अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो गई है और निकलते हैं यहाँ से अब अपने डेस्टिनेशन लुधियाना की ओर। हमें संभल कर जाना होगा क्योंकि रास्ते में बारिश भी हो सकता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हर हर महादेव, वाहे गुरु। गाइस, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए तो चलिए। गाइस, ये है कसौल।
गाइस फाइनली हमने हाईवे पकड़ लिया है मंडी 57 किलोमीटर। वाओ, अब हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं। गाइस गाइस आप ट्रैफिक देख सकते हो, कुछ बारिश के कारण हो सकता है लैंडस्लाइड आगे हुई हो, जिसके कारण ये इतना ट्रैफिक आप रोड के साइड में देख सकते हो। बहुत जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ के बीच में से वाटर भी बह रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और वेदर बहुत गर्म है और अब भूख लगा है, तो अभी हम डेस्टिनेशन से 180 किलोमीटर दूर हैं और रास्ते में रुके हैं और चौथा दही खा के अपनी राइड फिर से स्टार्ट करते हैं।
गाइस फाइनली हम प्लेन एरिया पे पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने सारा प्लेन एरिया है और पहाड़ को अब फाइनली बाय बाय करने वाले हैं। कुछ ही किलोमीटर है पहाड़ के।